हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली बेस पे नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत ही पसंद आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लाइक भी आप दे रहे हैं और हमारे व्यूवर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। जैसे कि आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं, आज है हम बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो याटो कंपनी का है। ये एक बैंड सो है जो कि मार्केट में अभी क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो बड़े बड़े शेड वगैरह बनाते हैं, एल्यूमिनियम सेक्शन का जो काम करते हैं, बड़ा बड़ा जिनका काम होता है और साइड पे कोई अच्छा सा सॉ लेके जाना, बड़ा वाला सॉ लेके जाना मुमकिन नहीं होता। तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक पोर्टेबल बैंड सॉ है जो बहुत ही काम आने वाला है। इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करके और डेमो करके इसकी ब्लेड वगैरह कैसे काम करती है वो कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो ये कंप्लीट बॉक्स का मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और इस तरफ मेरे यहाँ पर हमारा किंग टूल सूरत का नया बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर आपको सहूलत के लिए हम लोगों ने अलग अलग मोबाइल नंबर दे दिए है और ये यहाँ पर भी मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर हमने व्हाट्सएप का सिम्बॉल दिया हुआ है। इसके अंदर ओनली आपको व्हाट्सएप करना है, जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी है, हमारा सूरत गुजरात के अंदर शॉप है किंग टूल सूरत के नाम से। तो किसी को भी हमारे जो भी वीडियोस आपने देखे हुए हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है या आपने कभी अभी तक प्रोडक्ट वीडियो हमने बनाया नहीं है, वो भी प्रोडक्ट आपको अगर मंगाना है तो किंग टूल सूरत का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी माहिती हमारी बॉक्स के ऊपर ही लिखी हुई रहती है। यहाँ पर हमको 1100 वॉट लिखा हुआ है, जो 1100 वॉट का इसके अंदर मोटर है, 3 मीटर का इसका कॉर्ड मिलेगा आपको और ये जो कंप्लीट जो इसका बैंड है वो 1140x12.7 और जो 0.6 mm का इसका ब्लेड है। कंप्लीट डिटेल आपको मैं पूरा खोल के, बॉक्स खोल के आपको बता दे रहा हूँ। तो फटाफट हम इसको फटाफट में बॉक्स को मैंने इसको गिरा दिया है। सबसे पहले निकल के क्या आ रहा है, तो ये हमारे पास आ गया है इसका बैंड सो का पूरा स्टैंड आ गया है। थर्मोकोल वगैरह को इसको हटा देते हैं हम। ये पूरा इंस्टॉलेशन करके मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो थोड़ा ध्यान से। और अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टैंड यहाँ पर हमारे बॉक्स में अलग निकला हुआ है और एक पूरी पेटी है। पेटी मतलब पूरा फाइबर का हार्डनर वाला आपको फाइबर मिलेगा जिसके अंदर आपका मशीन एकदम सेफ रहने वाला है। यहाँ पर लॉक दिए हुए हैं और ये हमारा आ गया बैंड सो। ये आप अपनी साइट पर भी इसको लेके जा सकते हैं, इंस्टॉलेशन करना, इसको काटना वगैरह बहुत ही आसान है। मैं आपको एक हाथ से भी इसको चालू करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। वारंटी कार्ड, यूज़र मेन्यू है वो मैं अंदर ही रखा हुआ है और यहाँ पर है हमारा बैंड सो। इसको मैं पहले बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रोडक्ट का पूरा डिटेल बताऊँगा। बैंड सो को मैं अभी यहाँ पर रख देता हूँ मैं, और एलेंकी वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जो इस पेचकस वगैरह जो है वो खोलने के लिए। वायर भी बहुत हेवी है, 2 पिन आपको मिल जाएगी, 3 पिन भी नहीं है कि आपको कहीं पर 3 पिन ढूंढना पड़े। इसके अंदर आप काट के इसको लंबा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी की बात है। और ये रहा हमारा बैंड सो याटो का। इसके अंदर थोड़े बहुत मशीन के जो डिटेल वगैरह है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर अलग अलग स्पीड आपको मिल जाएगी, यहाँ पर 1 नंबर से लेके आपको 6 नंबर तक की स्पीड मिल जाएगी। इतना आप इसको धीरा और फास्ट हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बंद चालू करने के लिए एक स्विच मिल जाएगी जिससे ये ऑपरेट होगा, बंद होगा और चालू होगा। यहाँ पर आपको एक हैंडल मिल जाएगा जिससे आप कॉम्पैक्टली, समझो मैं अगर शेड के ऊपर ऊपर से कोई काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ काटनी है तो मैं आरी लेके ऊपर चढ़ूंगा, आरी से काटूंगा, मेरे हाथ में लग जाएगा। या जो हमारे पास जो सॉ वगैरह जो होती है, जो ज़मीन पर होती है, उससे अगर हम काटने जाएंगे तो बहुत ही खर्चा होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, आँखों को भी नुकसान होता है। तो ये मार्केट में अभी नया प्रोडक्ट आया है, इससे क्या करेंगे हम, इसको जैसे ही जहाँ पर हमारा एक्सेस मटेरियल यहाँ पर होगा, सॉ को हम रखेंगे और उसको चालू करके, मैं आपको बताने वाला हूँ, चालू करके उसको काट देंगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसका कार्बन वगैरह है। ये हैंडल है, हैंडल भी आपको पूरा एडजस्टेबल मिलेगा, यहाँ से आप उसको लूज करके पूरा हैंडल भी आप एडजस्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे ही हमने कॉर्ड को लगाया है, चाप को शुरू किया है, यहाँ पर एक एलईडी हमको दिखाई दे रही है, जिसके क्या है कि आप कोई सा भी पार्ट काटेंगे तो यहाँ पर आपको दिख पाएगा। मेरे पास अभी हाल में एक पीवीसी का पाइप लेके आया हूँ, मैं आपको एक लोखंड का इसके अंदर एंगल भी काट के बताने वाला हूँ। ये जैसा पीवीसी का पाइप मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा तो देखने के लिए यहाँ पर भी मुझे एलईडी यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके पहले हमने जब इसको चालू किया तो ये बराबर घूम नहीं रहा था, तो पीछे देखने के बाद, जाँच करने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक टेंशन का क्लच है, ये पूरा हैंडल है, इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये लूज़ हो जाएगा हमारा। देखो बैंड सो पूरा लूज़ हो गया है। अब इसको जब हमें ऑपरेट करना है, चालू करना है, तो यहाँ से हम इसको पूरा घुमा के आगे की तरफ कर देंगे। यह हमने प्लस पूरा टेंशन दे दिया है, इसका मतलब अब हम इसको चालू कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच मिल जाएगा, अभी ये ऑफ है, अभी ये ऑफ है, और यहाँ पे जैसे ऑन करेंगे तो एलईडी चालू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये मशीन ऑपरेट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने भी अपने हाथ में सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। बहुत से हमारे व्यूवर्स है जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें बार बार कहते रहते हैं कि आप थोड़ा सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमने भी सोच लिया है कि अब हम पूरा सेफ्टी के साथ काम करेंगे। तो इसके अंदर सेफ्टी के लिए यहाँ पर ये वाला पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, जिससे आपको अगर ये टेंशन टाइट ना होगा तो ये आपका चालू भी नहीं होगा। और ये पूरा कवर वगैरह जो है ये पूरा सेफ्टी के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, कि अगर आपको चालू के अंदर भी कोई हाथ वगैरह लग गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेफ्टी के अंदर इसको बहुत ही अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर कामकाज। हैंडल को जैसे ही कि मैंने इसको लूज़ किया था, ये पूरा हैंडल क्लच से, ये बेल्ट थोड़ा नीचे बाहर आ गया है, अभी मैं क्लच को लूज़ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ब्लेड को मैं आपको एक बार निकाल के बता देता हूँ, यहाँ पर ब्लेड, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। ये देखिए ये ब्लेड इसका निकल गया, ये पूरा ब्लेड। ये ब्लेड भी आपको किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाएगा, मार्केट में भी आपको कहीं पर भी ये ब्लेड मिल जाएगा। और ये जो ब्लेड होता है बहुत ही हैवी क्वालिटी का ब्लेड होता है, ये ऐसे नहीं होगा कि 5-10 दिन या 5-10 जॉब आप करेंगे उसके बाद ये ब्लेड ख़त्म हो जाएगा। ये रेक्सो पट्टी बहुत ही हैवी क्वालिटी का रेक्सो पट्टी होता है, और इसको लगाना भी बहुत आसान है। यहाँ से हम इसको लगाएंगे, ये बेयरिंग वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ताकत से मोड़ना पड़ेगा इसको एंगल चेंज करने के लिए। यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के बेयरिंग दिए हुए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रश वगैरह कंप्लीट दिया हुआ है, यहाँ पर भी बेयरिंग दिए हुए हैं जिसके अंदर ये घूमेगा और एक लेवल पर ही ये चलने वाला है। पहले हम इसको यहाँ पर लगा देंगे और इसको इस तरीके से घुमा के हम इसको अंदर डाल देंगे। यहाँ पे भी रोटेशन दिया हुआ है, इस तरफ ये घूमने वाला है, ये इस तरफ घूमने वाला है। जैसे ही हम इसको अंदर डालेंगे थोड़ा ये ढीला लगेगा हमको, मगर हमें क्या करना है, जो नीचे का जो हमारा टेंशन है इसको टाइट कर देना है। देखिए मैं टेंशन को टाइट कर रहा हूँ, ये व्हील पीछे आएगा। देखिए 1 2 3 टाइट हो चुका है, कंप्लीट टाइट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार चालू करके बता देता हूँ मैं आपको। एलईडी चालू हो चुका है, 1 2 दोस्तों ये अभी कौन से नंबर पे है मुझे पता नहीं है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ये अभी 6 नंबर पे है, मैं इसको डायरेक्ट 1 नंबर पे करके देखता हूँ कितनी स्पीड पकड़ता है। ये इतनी कम स्पीड के अंदर है, इसका मतलब 1 नंबर पे आपको इसकी स्पीड कम मिलने वाली है। और जैसे ही मैं इसको 6 नंबर पे करूँगा चालू, मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं स्लो हो गया पूरा, अब ये बढ़ेगा। अभी मैं आपको क्या करूंगा, ऊपर से थोड़ा सा एक पाइप काट के बताने वाला हूं। देखिए यहां पर हल्का सा स्टैंड पर भी मैं लगा के बताऊंगा, बस खाली थोड़ा काम कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूं एक बार।
हमारा एक का इतना जाड़ा वाला मोटा वाला पाइप था, कितनी आसानी से इसको काट दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा जो मैकेनिज्म है इसको मैं ऑफ कर दूंगा और इसको मैं आपको स्टैंड के ऊपर रख के बताने वाला हूँ। ये जो हैंडल है यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर तीन एलेंकी रखे हुए हैं, ये यहाँ पर इसमें फिटिंग हो जाने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर मैकेनिज्म दिया है। एक बार मैं आपको पूरा कंप्लीट लगा के बताऊंगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने स्टैंड बताया और लगा के नहीं बताया। मैं कंप्लीट आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें अपने मैकेनिक भाइयों के अंदर, जिससे क्या है उनको पता चल जाए। यहाँ पर ये वाला जो अटैचमेंट है यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, देखिए यहाँ पर ऐसे। ये इतना मेहनत लगेगा इसको अगर लगाने के अंदर, तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए थोड़ा आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए हमने सोचा है कि आप हमें 2000 लाइक ज़रूर देंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लाइक के टारगेट को पूरा करके बता देंगे। आज नहीं तो कल 24 आवर के अंदर भी मुझे ये उम्मीद है कि आप हमारे 2000 लाइक की टारगेट को पूरा कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही आसानी से फिट हो गया है। बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं हुई, मैंने अपने दो ही हाथों से इसको फिटिंग किया है। ऐसा नहीं किसी का हेल्प लिया है, ना हमारे इमरान भाई का हेल्प लिया है, ना मैंने किसी और का हेल्प लिया है। बस ये मैंने अपने दो ही हाथों से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है, आपके सामने ही है। ये व्यूअर्स ऐसा कहते हैं कि आपने पहले से फिटिंग करके बता दिया, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया कम्प्लीट फिटिंग करके। अब ये क्या काम करेगा, तो अब ये सारे काम करेगा। अब ये लोखंड को भी काटेगा, एल्यूमिनियम को भी काटेगा, पाइप को भी काटेगा और एंगल को भी काटेगा। तो मैं आपको इसके अंदर एक एल वाला एंगल काट के बताऊंगा, एक पाइप काट के बताने वाला हूं, और ये वाला जो हमारा फ्लेक्सिबल जो पानी का जो पाइप था एक का, वो तो मैंने आपको काट के बता दिया है, फिर भी मैं इसके अंदर आपको लगा के काट के बताने वाला हूँ। तो वीडियो छोड़ के कहीं पर भी जाइएगा नहीं, मैं आपको कंप्लीट अभी डिटेल बता देता हूँ। दोस्तों, मैं दो मटेरियल लेके आने वाला हूँ एग्जाम्पल की तौर पे। पहले तो हमारे पास ये चौरसी है, जिसको हम सवा बाई सवा का एक पाइप बोलते हैं, चौकुट पाइप बोलते हैं इसको हमारी भाषा में, गुजरात में इसको। और ये हमारा एंगल है, एंगल हमारा ये नॉर्मल सा हमारा जो सादा एंगल आता है एल एंगल, वो एक इंची का और बहुत ही मोटा वाला एंगल है, देख सकते हैं आप कितना मोटा है ये। और ये वाले पाइप का भी एमएम आप देख सकते हैं कितना मोटा है ये। तो पहले तो मैं दो चीज़ काटूंगा, ये चीज़ अगर सही से कट गई इसका मतलब एल्यूमिनियम में भी आराम से काट पाएगा, गोल वाला पाइप भी आराम से काटेगा। और कई व्यूवर्स हमें पूछेंगे कि आप लकड़े को काट के क्यों नहीं बताया, तो ये वाला जो पीवीसी का पाइप मैं काटूंगा, मतलब समझ जाइए कि ये लकड़ा भी काट देगा और सारी चीज़ काट देगा अगर इसने ये एंगल को काट दिया है। तो फटाफट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ, बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म पूरा दिया हुआ है, इसको टच कर देना है और यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद मैं यहाँ से इसको टाइट कर दूंगा, ये टाइट हो चुका है और मैं इसको अब शुरू करूँगा। चालू कर दिया है, अभी एलईडी बंद है, जैसे ही मैं इसको चाप चालू करूंगा एलईडी चालू हो जाएगा। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको वन नंबर के ऊपर काट के बताऊंगा एकदम धीरे धीरे रफ्तार से, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। अभी ये पूरा मशीन है, ये पूरा हैंडल पे ऊपर मैकेनिज्म चल रहा है, देखिए आप पूरा हैंडल के ऊपर चल रहा है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको काटना है, तो मैं शुरू करता हूँ।
टेढ़ा क्यों हो गया लेग? नहीं, ये एंगल पे ही देखा, बराबर टेढ़ा है ये। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा पाइप के अंदर इसने छेद गिरा दिया है, पूरा काट दिया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैं आपको एक सी चैनल को कटिंग करके बताने वाला हूँ। देख सकते हैं कितना मोटा पाइप है, कंप्लीट इसने इसको पूरा काट दिया है। बहुत ही हैवी इसका मोटर वगैरह जो है। अब मैं ये वाला इसके अंदर एंगल लगाने वाला हूँ और इसको मैं आपको काट के बता दूंगा। मैं इस तरफ जा रहे ले ये। ये बैंड नहीं है, ये तो सीधा है, पर ये टेढ़ा जा रहा है। ब्लेड वगैरह भी, ये भी सारी जो चीज़ें हैं ये आपको किंग टूल सूरत के ऊपर मिल जाएगी। देख सकता है जो जो मैंने अभी जॉब किया हुआ है वो यहाँ पर मैंने रख दिया है, यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं। ये पाइप वगैरह है, ये भी मैं यहीं पर रख देता हूँ। एक बार मैं पीवीसी का पाइप भी आपको हाथों हाथ काट के बता देता हूँ। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम हमारे दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे, जिसके अंदर हम एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, जो अभी तक किसी ने YouTube के अंदर नहीं डाला है। एक बहुत ही बेहतरीन टाइल्स फिटिंग करने का टाइल्स वाइब्रेटर लेके आने वाले है, कंप्लीट डेमो के साथ। और 4 फीट का टाइल्स काटने का हम लोग आपको एक पूरा बताने वाला है, जिससे हमारा 4 फीट का टाइल्स होगा वो भी आप आराम से काट सकते हैं। 12 फीट का टाइल्स होगा, एक सबसे बड़ा है वो हमारा 6 फीट का टाइल्स है, सबसे बड़े बड़ा 6 फीट का टाइल्स आएगा। उसका भी पूरा स्टैंड है मेरे पास, वो भी मैं आपको डेमो करके बताने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरफ हमारा किंग टूल सूरत का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, किंग टूल सूरत गुजरात। यहाँ पर हमारा सारे मोबाइल नंबर वगैरह आपको लिखे हुए हैं, हमारे चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।